बेटा खुदा के घर का तो बेटी रसूल। मारूफ सना खान मुस्तफ़ा जनाब भाई मोहम्मद तैयब ताहिर हमीदी शामली साहब बारगाहे सरवरे कौनैन में अपनी हाजिरी पेश फरमा रहे थे। जेडे हिको ट्राली ते आए वो जरा जल्दी कराया जरा निकल ना जाए ते बाकी हबाब अगर जो मोटरसाइकिल पर आए हो या साइकिल पर या रिक्शे पर तो मेहरबानी करके हेड चेक करके उठो ताकि ये मामला बेअदबी शुमार ना हो। वैसे तुसी सारे भी तुर जाओ तो नबी नूं नौकरां दी कमी तो नहीं, लेकिन अगर बैठे रहोगे तो एक एक करके उठोगे बशरी तकादा है बंदा बंदे को जरूरत कोई काम होता ये बंदा उठ के जाता ही है चले जाओ, लेकिन एक बंदा उठ के जाए दूजा मिस कॉल दे तीजा मैसेज करे तो ओ सड़क पे खलो मैं आया, चौथे को मोबाइल नहीं थे 10-15 मिनट बाद भावे उठ के चला जाए लेकिन बेअदबी शुमार ना होगा। यकदम 8-8, 10-10 बंदे महफिल चो ना उठा करो, बड़ी मेहरबानी। आज यहाँ से मुख फेरोगे तो बरोज़े कयामत अगर जहरा के बाबा ने मुख फेर लिया तो किसी में जरूरत नहीं हमें रब के अजाब से बचा ले। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वक्त बचाते हुए फौरन अपने ऐवान में गुजारिश करूंगा, दाता नगर लाहौर से तशरीफ ला हुए मारूफ सना खान मुस्तफ़ा, आका के हुक्म से होती है हाजरी, वक्त कम है हल्का बात नहीं दे रहा, इतना कह रहा हूँ हाजरी शुरू करते हैं भाई मोहम्मद आजम अली कादरी, तशरीफ लाते हैं बारगाहे सरवरे कौनैन में जनाबे भाई मोहम्मद आजम अली कादरी, दाता नगर लाहौर से तशरीफ लाए हुए मारूफ नाथ खान अपनी हाजरी का आगाज करते हैं। आप इस्तकबाल फरमाए, नारे तकबीर, या अल्लाह तेनु हजरत सुल्तान बाहू का वास्ता ही इन्हों सेहत दे ताकि हाथ चौके उची बोलन ते साडा सीना ठर जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इश्क दी बाजी हरदे नहीं वे, इत्थां जोर लाओ मर के नहीं मरदे नहीं वे। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हौसिया, जिसने ईद मिलाद नबी, हक बाहू, हक बाहू, हक बाहू, हक बाहू, नाराए सुल्तानिया, भाई मोहम्मद आजम अली कादरी फ्रॉम दाता नगर लाहौर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दी पाक और मुबारक महफिल जो हर साल दी तरह इस साल भी भाई मुनज़्ज़म और आपके रफ़ाका दोस्त अहबाब जिन्होंने बड़े शौक नाल ज़ौक नाल आज दी महफिल का एहतमाम किया है, मेरी दुआ है अल्लाह भाई मुनज़्ज़म दी इस मुहब्बत नू इस काविश नू अपनी अज़ीम बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह तुहाड़ा तशरीफ लियाना, मेरा पढ़ना मेरे तो कबल भाई तैयब ताहिर कादरी साहब सियालवी साहब आपकी हाजिरी और मेरे बाद आपके और मेरे महबूब भाई इजाज हुसैन शकरगढ़ी साहब आप हाजिरी पेश करेंगे। चूँकि मैंने हाजिरी पेश करके आगे हाजिरी के लिए पहुँचना है, एक गुजारिश भाई मुनज़्ज़म ने की थी और आपने कबूल की थी लेकिन लेट की थी, अल्लाह आपने दाजरे कसी नसा फरमाए। किबला पीर साहब शी फरमा ने और आले नबी उलादे अली भी जलवागर ने मल के कायनात पीर साहब तसाया सदा तसाया साढ़े सिरा थे सलामत रखे और आप द फैज़ान क़यामत सुबह तक इसी तरह जारी उसारी रहे। मैं मुख्तसर वक्त अपनी हाजिरी में पेश करके आप तो इजाज़त चाहवागा स्टेज पर दिगर उलमा इकराम मेहमान ने ग्रामी जलवागर ने और मेरे और आपके महबूब मेरे बड़े भाई शहन शहन काबत भाई कामरा फरूक नक्शबंदी और कादरी साहब आप भी जलवागर ने और जिन्हों की मुहब्ताना आज दी महफिल च हाजरी है नात गो शायर अजीम हस्ती किबला हकीम इमरान आजी साहब आपका हुक्म फकीर नू मिलिया और फकीर हाजिर होया मालिक कायनात आपनू भी दरें दी खुशियां अता फरमाई। जे ध्यान कर लो तो मैं 5-7 मिनट तुहानू सुनाना चाह रहा हूँ। एक दफा रल के सरकार की बारगाह च इस यकीन सारे दरूद पढ़ो कि असं पढ़ने और सरकार सुनते हैं जो उची पढ़ सकते वह दरूद पढ़े मैं हल्दी का आगाज करा। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि
شریف تو میں اپنی حاضری دا آغاز کر رہا ہوں پیر صاحب کے سامنے اج پہلی مرتبہ حاضری دا موقع ہے کہ آپ تو دعا لیند ہوئے دو تین شیر پیش کر رہے ہیں جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی سوالی ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا جنہوں مان اس کرتے ہاتھ اٹھا کے بولے جیڑا سرکار تو عالم دا سوالی ہووے جیڑا سرکار تو عالم دا سوالی ہووے جیڑا سرکار تو عالم سکتا چولی او دی خالی ہووے کیوے ہو سکتا چولی او دی خالی ہووے جیڑا جی پڑے یا یا خالی نہ جائے دونوں ہاتھ چکے جیڑا سرکار دیکھو آدم بابا
موت تے آن یہ پر موت بشاری شیر بڑا خاص ہے جی دل چتر جاوے وہ ہاتھ اٹھا کے ضرور بولے سبحان اللہ پہلے شیر سننا شرط بس اے کہ انسان حلالی ہوے شرط بس اے بہت شکریہ علی مولا
चौथी बार मेरी रिक्वेस्ट में पढ़ेंगे एक शेर आपकी नजर पीर साहब के कदमों से खैरात लेकर हरम की गोद में यूं अबू तुराब आए, हरम की गोद में यूं अबू तुराब आए। वो बंदा उठ के घर जाए बेड रेस्ट करे, उसे बेड रेस्ट की जरूरत है जो अगले मिसरे पे अली का नौकर हो और हाथ उठा के ना बोले मैंने कहा हरम की गोद में यूं अबू तुराब आए। नबी के सीने पे जैसे अल किताब आए, उनकी गोद में यूं अबू तुराब आए, नबी के सीने पे जैसे अल किताब आए। मैं उस इमाम का कायल हूँ जिसकी महफल में, चौथी लाइन पढ़ूं स्टेज वाले पिंडाल वाले दाएं बाएं सबकी आवाज सुनना, यूं महसूस होगा कि आज की महफल की सबसे ऊंची आवाज है। हाथ भी उठाए और ऊंचा सुभानला सुनाए तो मेरी रिक्वेस्ट पे आप ये शेर दोबारा सुनाए। एक भी बंदे का हाथ थले हुए पाड़ी मर्दी, मैंने कहा हरम की गोद में यूं अबू तुराब आए, नबी के सीने पे जैसे अल किताब आए। मैं उस इमाम का कायल हूँ जिसकी महफल में सवाल बाद में करो पहले जवाब आ। बड़ा खास शेर, और ये शेर आपने बहुत कम सुना होगा जो मैं पढ़ने वाला हूँ, बड़ा खास शेर है हकीम इमरान अली साहब। अली दिल नु तोड़दा नहीं, नहीं एक भारी सुभान अल्लाह मैनू नहीं चाहिए, उच्ची आवाज में सारे बोलो सुभान अल्लाह। अली खाली मोड़ दा
اور میری حاضری مکمل. اور یہ شعر مجھے بڑا پسند ہے جو پچھلے دنوں میں نے یہ کلام ریکارڈ کروایا. یہ شعر تو بعد میں دساں گا کنا لکھا ہے. توجہ. ہاں کوئی آیا ہے اتنے اپنے بیٹھے نے ہاتھ اٹھا کے ذرا سارے نارا ہے مشکل خوشائے حاجت نوا علی علی مشکل خوشائے علی حاجت نوا علی 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 مشکل خوشائے علی حاجت نوا علی علی مشکل خوشائے علی حاجت نوا علی علی سوار سکتا ہے. او موزی نہ دیکھنا پاکستان کی طرف, میرا علی آج بھی نجف سے آ کے مار سکتا ہے. ٹھیک ہے, اینی اونچی سبحان اللہ کہنا.